जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। और दोस्तों आज मैं बता दूं आप लोग को, आज हैशटैग सीरीज पैसेंजर ट्रेन में से आज सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की आज मैं यात्रा करने जा रहा हूं, जो कि है वो मडवाडी से जो चलकर यानी बनारस से चलकर और भटनी जंक्शन के बीच चलती है, और जिसका ट्रेन नंबर है 01748 जो कि डेली आपको चलेगी भटनी से चलकर और बनारस के बीच में। ये जो ट्रेन है वो डेली सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है पैसेंजर ट्रेन को। और आज हम लोग यात्रा करेंगे वाराणसी कैंट से लेकर और दुल्लापुर तक। और दुल्लापुर तक मैं क्यों यात्रा कर रहा हूँ आपको वो चीज़ जर्नी के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता दूँ कि ठंड है वो बहुत ज़्यादा है, और देखता हूँ कि हो सके तो मैं डोर प्लेटिंग करूँगा। अगर डोर प्लेटिंग नहीं किया तो मैं खिड़की पर से में ही आप लोग को कई सारे और स्टेशनों दिखा दूंगा। और बता दूं कि जितने छोटे बड़े स्टेशन पड़ते हैं सब और सब आज कवर होंगे। बस आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आज की जो जर्नी होने वाली है वो काफ़ी, जो पैसेंजर जो ट्रेन है वो बहुत ही पहले, मतलब बहुत दिनों के बाद जो ट्रेन है वो मैं एक पैसेंजर ट्रेन में मैं एक यात्रा करने जा रहा हूँ। और जो जितने भी छोटे बड़े स्टेशन थे जैसे पनियारा पिपरेडी और रामपुर सिधौना हाल्ट, जैसे रजवाड़ी कादीपुर, इन सभी स्टेशनों को आपका डिटेल और जर्नी देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप वीडियो को कोई भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं बनारस भटनी पैसेंजर एक्सप्रेस में के अराइवल में। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का नज़ारा जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का है वो कैसा है। और जिस पे अभी हम खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म संख्या 3 है, और बगल में आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, और इधर 2 और 1, और इधर है सनराइज हो रही है, और कुछ ऐसा है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का स्टेशन। और दोस्तों हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल तय वक्त पर 6:55 पे वाराणसी कैंट के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर अराइव होता हुआ आपको दिख रही होगी। और देखते हैं थोड़ा पास आ जाए क्योंकि हम, और देखते हैं कौन सी उसकी लोकोमोटिव है आज। लोकोमोटिव के साथ बनारस भटनी पैसेंजर ट्रेन चल रही है। दोस्तों कुछ ऐसा है पैसेंजर ट्रेन का सीटिंग अरेंजमेंट, आपको साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रहा आज का आपातकालीन विंडो, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आज की हम लोग की जो कोच है वो अनारक्षित कोच है, और कोई कोच का कोई नाम वगैरह नहीं है। और अभी आप मेरे पीछे जो कोच जो देख रहे हैं उसमें हम लोग बैठ गए हैं। और चलिए फिलहाल जो ट्रेन का डिपार्चर भी सिग्नल आ चुका है, और दोस्तों कुछ ऐसा है इसका, सामने आपको देखने को मिल जाएंगे मिरर वगैरह। और ये है आज हम लोग की सीट। बिल्कुल 2 मिनट की स्टॉपेज के साथ हम लोग की जो ट्रेन है वो वाराणसी कैंट से निकल चुकी है, और चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग वाराणसी कैंट से डिपार्चर। और इधर हो चुकी है सनराइज। और दोस्तों आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मतलब जो मैं आज जर्नी जो दिखाने वाला हूँ वो आपको फुल डिटेल आपको जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा।
और इस रूट पे बहुत ही अच्छे अच्छे कर्व भी आएंगे और आप कर्व से देखिएगा कि कैसी जो भटनी वाराणसी जो पैसेंजर है वो कैसी लगती है। और बगल में आप देखिए तब तक आप लोग सनराइज। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up to drive, yeah. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. और दोस्तों इस ट्रेन की तीसरी हॉल्ट और हम लोग की पहली हॉल्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं वाराणसी सिटी, जिसका स्टेशन कोड है BC Y। और यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और जो बनारस भटनी पैसेंजर इसे एक्सप्रेस कहते हैं, क्योंकि जो एक EMU ट्रेन है उसे पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। और जो ये वाली जो ट्रेन है इसमें ICF कोच के साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलती है, इसलिए इस ट्रेन को आप वेजमैट ट्रेन पर देखेंगे तो इस ट्रेन को बनारस भटनी पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन कहेंगे। और दोस्तों बिल्कुल 5 मिनट की स्टॉप के साथ जो ट्रेन है वो वाराणसी सिटी से निकल चुकी है। बतावा
समोसा सुबेरे सुबेरे समोसा तो ना मिली बेटा का हो हाँ समोसा सपना दीदी साझी का खा लिया तू डिलीवरी तो खा लिया ना सुबेरे समोसा समोसा को दुकान में बने ला उन लोगों ना नाश्ता में समोसा छोला बने ला हो जाएगी चला ठीक है देखा फोन तो ले लिया ना अरे बढ़िया लिखना है ना ये सपना तो चलिए फिलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो अब डिपार्ट कर चुकी है वाराणसी सिटी को और मिलते हैं कुछ हाई स्पीड एक्शन के साथ। और दोस्तों हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल राइट टाइम पहुंच चुकी है सारनाथ रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है SRNT और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म 3 है और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आई है और आप तो देख सकते हैं कैसा भीड़ है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और फिलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है सारनाथ से
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कादीपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आपको टू प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, एक अप और एक डाउन का, और दो आपको मेन लाइन। और कादीपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कादीपुर रेलवे स्टेशन पे आपको दो प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और जिसका स्टेशन कोड है KDQ और यहाँ पे केवल पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा है कादीपुर रेलवे स्टेशन, आपको एक फुट ओवर ब्रिज देखने को मिलेंगे जो प्लेटफॉर्म 1 और 2 से कनेक्ट करता है, और सुबह सुबह की टाइम है और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कोई भी यात्री नहीं दिख रहे। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं डिपार्चर में। फिलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो मेन लाइन पर कनेक्ट हो गई। और दोस्तों मैं आप लोग को साथ में साथ बता दूं कि जो ये रूट है, इस रूट पे जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए सक्षम है ये रूट। और देखते हैं कि रेलवे इस रूट पर कब तक 130 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलाने का स्पीड दे रही है। और दोस्तों तय वक्त से 7:40 पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं रजवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RJI। और यहां पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपको यहां पे भी दो प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। और बात की जाए रजवाड़ी रेलवे स्टेशन की तो ये एक छोटा स्टेशन है जहां पे सिर्फ केवल पैसेंजर ट्रेन की ही यहाँ पे हॉल्ट है। और चलिए फिलहाल मिलते हैं हम लोग ट्रेन के डिपार्चर में। और बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ, रजवाड़ी रेलवे स्टेशन को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है। और बिल्कुल 7:42 पे हम लोग की जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है रजवाड़ी रेलवे स्टेशन से। तो चलिए फिलहाल आप देखिए एक छोटे रेलवे स्टेशन से डिपार्चर यानी रजवाड़ी रेलवे स्टेशन से, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से आगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस ठंडे मौसम में हम लोग की जो यात्रा है वो चल रही थी, और आप सामने जो ब्रिज जो देख रहे हैं, यह जो नदी है वो गोमती नदी है जो आपको औढ़ार से बाद देखने को मिलेंगे, और इधर से मतलब बनारस।
दोस्तों ये हम लोग पहुँच चुके हैं इस रूट की सबसे छोटी रेलवे स्टेशन यानी हॉल्ट, और जिसका नाम है शिदोना रामपुर हॉल्ट। और यहाँ पे जो ट्रेन है वो बस केवल पैसेंजर ट्रेन के ही स्टॉपेज मिलता है, और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल एक मिनट ही यहाँ पे रुकेगी। और देखिए यहाँ से इसका डिपार्चर। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं अड्यार जंक्शन। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आप ट्रेन की यात्रा जो देख रहे हैं, ये यात्रा आप लोग को पार्ट वन और पार्ट टू में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ये पैसेंजर ट्रेन है वो हर स्टेशन पे रुकते हुए आ रही है। और मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो आप जो यात्रा देखेंगे, ये यात्रा जो है वो पूरी डिटेल में यात्रा होगी, और इसलिए ये जो पार्ट वन है वो मुझे अड्यार के डिटेल देने के बाद मैं आपको आगे ख़त्म कर दूंगा। और पार्ट टू जो स्टार्ट होगा वो अड्यार के डिपार्चर के साथ से पार्ट टू इसका स्टार्ट होगा। तो चलिए फिलहाल आप लोग देखिए इसका अराइवल और आगे देखिए इसका डिटेल। तो दोस्तों ये हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 2 मिनट पहले अड्यार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AR J। और यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और आपको अड्यार जंक्शन पे आपको सुबह सुबह का जो नाश्ता है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि अड्यार को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो एक जो लाइन है वो मऊ की तरफ गई है, और एक जो लाइन है वो यहाँ से कटकर बलिया की तरफ चली गई है, इसलिए अड्यार को अड्यार जंक्शन कहते हैं। दोस्तों फिलहाल हम लोग देखते हैं अड्यार जंक्शन से जो बनारस भटनी पैसेंजर ट्रेन है उसका हम लोग यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। और बाकी मैं बहुत बार अड्यार जंक्शन आया हूँ, और अगर आप लोग अड्यार जंक्शन से कई सारे ट्रेन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो आप मेरी यात्रा देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी यात्रा किया हूँ यहाँ से अड्यार जंक्शन से।